हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड सोशल क्लास के ऊपर। सो ये टॉपिक लेंथी है तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। सो हम अपने इस टॉपिक के अंदर इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो आज के टॉपिक में, आज के जो पार्ट वन है, इसमें हम यहाँ तक कवर करेंगे। सो व्हाट इज सोशल क्लास? सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास क्या है। क्लास एक एक्चुअली में एक नॉन सोशियोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब है अ काइंड ऑफ कैटेगरी। बट व्हेन हम जब हम बात करते हैं सोशल क्लास, व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल क्लास, देन इट इज एक्चुअली अ डिवीजन और ऑर्डर ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, वेल्थ, रैंक और प्रेस्टीज। ठीक है, सोसाइटी की डिवीजन कह दें, सोसाइटी जब हम लोग सेगमेंटाइज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, वेल्थ, रैंक और प्रेस्टीज, देन इट इज कॉल्ड सोशल क्लास। और वी कैन सी दैट अ लेयर ऑफ सोसाइटी दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेल्थ, प्रेस्टीज और पावर, दैट इज कॉल्ड सोशल क्लास। ऑलराइट, सो सोशल क्लास जो है ना, वो हमारी हेल्प करती है कि इंडिविजुअल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, हम उसे भी देख लेते हैं सोशल क्लास के जरिए। क्योंकि देखें, अगर एक पर्सन है वो एक हायर सोशल क्लास से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी उसका हायर है, और जो के रिजल्ट उसका ये है कि उसके जो लाइफ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी हायर है। ठीक है जी। नाउ क्राइटेरिया फॉर अ सोशल क्लास, हाउ टू मेजर द सोशल क्लास, देयर आर द टू वेज टू मेजर द सोशल क्लास, द वन इज ऑब्जेक्टिवली एंड द सेकंड इज सब्जेक्टिवली। जब हम ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं तो वो आता है सिर्फ इकोनॉमिक्स की बेस के ऊपर, और जब हम लोग सब्जेक्टिवली बात करते हैं देन इट इज कॉल्ड पावर। अच्छा जी, जब हम लोग ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो किसी इंडिविजुअल को वो किसी पर्टिकुलर सोशल क्लास के अंदर रखते हैं, बजाय वो जो इंडिविजुअल है वो समझता हो कि वो उस पर्टिकुलर सोशल क्लास के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब है कि हम किसी को देखकर उसको एक पर्टिकुलर सोशल क्लास के अंदर रख लेते हैं, डेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिवली। जब सब्जेक्टिवली की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो अपने आप को किस पर्टिकुलर सोशल क्लास में रखता है, जो कि वो खुद सोचता है कि वो इस क्लास से बिलोंग करता है, रदर रिसर्चर जो है वो सोचते हैं कि वो उस क्लास में बिलोंग करता है या नहीं करता, या दूसरे लोग सोचते हैं कि उस क्लास में बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिवली के अंदर जब हम किसी इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर सोशल क्लास के अंदर रखें, और सब्जेक्टिवली के अंदर जब एक इंडिविजुअल जो है वो खुद को किसी पर्टिकुलर सोशल क्लास के अंदर रखे, देन इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिवली। ठीक है, नाउ हाउ टू डिटर्मिन अ सोशल क्लास, हम सोशल क्लास को डिटर्मिन कैसे करते हैं? इकोनॉमिक्स की बेस के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी कि जब हम लोग पैसे के बेस के ऊपर लोगों को डिवाइड कर देते हैं कि अच्छा ये मिडिल क्लास में है, ये अपर क्लास में है, या हायर क्लास है इसकी लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, और इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। जब हम लोग प्रोफेशन की बेस पर कहते हैं, लाइक हमारे पास अब डॉक्टर का एक प्रोफेशन है, एक इंजीनियर का है, एक टीचर का है, तो हमने उनको एक पर्टिकुलर सोशल क्लास के अंदर ही रख लिया। ऑलराइट, सो अब फैमिली नेम है, फैमिली नेम का भी है कि जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में बात करें, इंडिया में बात करें, तो जट हैं, जो राजपूत की जो कास्ट है, हमने उनको एक पर्टिकुलर सोशल क्लास के अंदर हम लोग रख लेते हैं कि ये जैसे कि जट कास्ट है या राजपूत की कास्ट है, उनके पीछे एक प्रॉपर एक हमने उनको एक पर्टिकुलर सोशल क्लास के अंदर जो है ना उनका वो नाम रख दिया हुआ है। ठीक है जी, अब हाउ टू आइडेंटिफाई समवन सोशल क्लास, मतलब आइडेंटिफाई किस तरह से की जाती है सोशल क्लास को? ऑब्वियसली हम उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, हम उनको एजुकेशन की बेस पे देखते हैं, जो कि कम पढ़े लिखे हैं तो हम लोग उनको जो है वो कह देते हैं कैसे ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। ठीक है, तो इलिटरेट जो पीपल है उनकी हमने कैटेगरी दे दी उनको। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बेस के ऊपर उनका जो यूज ऑफ लैंग्वेज है हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर सोशल क्लास से बिलोंग करता होगा। अब पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं या फिर जो कि डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंगली ही हम बता देते हैं कि अच्छा ये इस सोशल क्लास से बिलोंग करता है, या फिर ये इसकी प्रॉपर पर्टिकुलर सोशल क्लास होगी, इस वजह से इसका जो यूज ऑफ लैंग्वेज है ना वो ये वाला है। इसके अलावा हम लोग क्लॉथिंग या एक्सेसरीज की बेस के ऊपर भी हम देख लेते हैं कि अच्छा ये बंदा जो है ना वो इस सोशल क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज एंड सोशल क्लास का क्या रिलेशनशिप है। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि सोशल डायलैक्ट्स क्या होते हैं, सोशल डायलैक्ट्स और रीजनल डायलैक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। जब हम लोग रीजनल डायलैक्ट्स की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी स्पीच के ऊपर। लेकिन जब हम लोग सोशल डायलेक्ट की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम मेनली कंसंट्रेट कर रहे हैं, मेनली कंसर्न है किस चीज के ऊपर, विद द स्पीकर्स इन द टाउन एंड द सिटीज। ठीक है जी, अब देखिए जो हम लोग डायलेक्ट की सोशल स्टडी करते हैं,
तो जो हमारे पास सोशल क्लास होती है वो एक्चुअली में हमें बताती है, हमारी हेल्प करती है किस चीज में, टू डिफाइन द ग्रुप्स ऑफ स्पीकर्स एज हैविंग समथिंग इन कॉमन। जब हम लोग सोशल स्टडी करते हैं डायलेक्ट की, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सोशल क्लास ही है जो कि हमारी मेनली हेल्प करती है, या दैट इज मेनली यूज टू डिफाइन द ग्रुप्स ऑफ स्पीकर्स एज हैविंग समथिंग इन कॉमन। नाउ व्हाट इज सोशल एक्ट? सोशल एक्ट एक्चुअली में आप कह सकते हो कि इट इज अ लैंग्वेज वैरायटी ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल क्लास। एक सोशल एक्ट एक लैंग्वेज की वैरायटी एक पर्टिकुलर सोशल क्लास की, कि अच्छा ये पर्टिकुलर सोशल क्लास है, उसका जो बोलने का जो तरीका है वो ये है, ठीक है। सोशल एक्ट इज अ वैरायटी विच इज थॉट ऑफ एज बीइंग रिलेटेड टू इट्स स्पीकर सोशल बैकग्राउंड रादर देन ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड। हम लोग उसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देखने की बजाय हम उसका सोशल बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी वो एजुकेशन की बेस पे हो गया, इकोनॉमिक्स की बेस पे हो गया, ये फैक्टर्स देखते हैं हम लोग। अब पीपल एट द टॉप ऑफ हायरार्किकल सोसाइटीज हैव वेरी डिस्टिंक्ट सोशल एक्ट्स, एंड इन द फ्लैटर सोसाइटीज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल एक्ट्स आर नॉट वेरी क्लियर। लेट मी एक्सप्लेन विद द डायग्राम। अब देखें यहां पर ये जो आप हायरार्की देखें, अब जब हमारे पास अपर क्लास और लोअर मिडिल क्लास में बहुत डिफरेंस हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो देन हमारे पास जो सोशल एक्ट्स हैं, जो उनका जो यूज ऑफ लैंग्वेज है, हम उसको पर्टिकुलरली देख सकते हैं कि अच्छा ये इनमें डिफरेंस है। अपर क्लास का बिल्कुल डिफरेंट होता है और जो लोअर मिडिल क्लास है उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनके जो बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सोशल एक्ट्स होते हैं वो बड़े डिस्टिंक्ट होते हैं। लेकिन जब हम लोग फ्लैट की बात करते हैं, जब हम लोग फ्लैट सोसाइटीज की बात करते हैं जिनमें जो अपर क्लास और मिडिल क्लास के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो देन वहां के जो सोशल एक्ट्स होते हैं वो ज्यादा क्लियर नहीं होते, उनमें लैंग्वेज का जो यूज ऑफ लैंग्वेज है उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट ही हमारे पास आ जाता है एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव स्टेटस। अस्क्राइब स्टेटस वो स्टेटस होता है जो कि इनवॉलंटरीली आपको अपनी फैमिली से मिलता है एट द बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब कि जो जिसके लिए आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, आपको ऑलरेडी ही वो एक स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। सो ऐसे जो लोग हैं जिनको अस्क्राइब स्टेटस जिनका होता है, उनके जो सोशल एक्ट्स होते हैं वो बड़े डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। और लाइक फॉर एग्जाम्पल जो अपर क्लास है उनको जो एक स्टेटस मिल जाता है, जो उनको फैमिली बाय बर्थ जो उनको एक नाम मिल जाता है, वो उन लोगों के जो हमारे पास सोशल एक्ट्स होते हैं वो बड़े क्लियर होते हैं। जबकि अचीव स्टेटस डेट इज अर्न थ्रू हार्डवर्क, जो कि स्टेटस जो कि हार्डवर्क के जरिए अर्न किया जाता है, उन लोगों का जो हमारे पास जो सोशल एक्ट्स होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दी थी फ्लैटर सोसाइटीज की, और जैसे मैंने बताया था कि जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, दूसरा मैंने बताया कि पीपल एट द टॉप ऑफ द हायरार्किकल सोसाइटीज उनके जो वहां पे जो रिलाई कर रहे होते हैं लोग जो एट द टॉप, उनके जो सोशल एक्ट्स होते हैं वो बड़े डिस्टिंक्ट होते हैं, उनके उनको स्ट्राइप स्टेटस मिला होता है, जबकि अचीव स्टेटस के जो लोग होते हैं उनके इतने क्लियर नहीं होते, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सोशल क्लास, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोशल क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। नाउ टॉक अबाउट अपर क्लास, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द सोशल ग्रुप दैट हैज द हायर स्टेटस इन द सोसाइटी स्पेशली द एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। ऐसे लोग जिनका जो सोसाइटी के अंदर हायर स्टेटस होता है वो हमारे पास अपर क्लास होती है। दे हैव बीन रिच फॉर जनरेशन, जैसे हमने अभी बात की थी अचीव स्टेटस की। दीज आर द पीपल एट द टॉप ऑफ द हायरार्किकल सोसाइटीज एंड दे हैव वेरी डिस्टिंक्ट सोशल एक्ट्स। अभी हमने यही बात की थी कि जो टॉप ऑफ द हायरार्किकल सोसाइटीज में जो लोग होते हैं उनके जो सोशल एक्ट्स होते हैं वो बड़े डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द अपर क्लास इन इंग्लैंड इंक्लूड्स द ब्लू ब्लडेड रॉयल एंड दे यूज रिसीव प्रोनाउंसिएशन फॉर द कम्युनिकेशन। अब जो ब्लू ब्लडेड रॉयल जो है वो यूज करते हैं अपनी सिंपल कम्युनिकेशन के लिए रिसीव प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जो कि हमारे पास इंग्लिश जो लैंग्वेज है इंग्लैंड के अंदर उसका स्टैंडर्ड वर्जन है, ठीक है। नाउ मिडिल क्लास, द सोशल ग्रुप बिटवीन द अपर क्लास एंड वर्किंग क्लास इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एंड बिजनेस पीपल एंड देयर फैमिलीज, यहाँ इसके अंदर जो है वो अचीव स्टेटस वाले जो लोग हैं वो अभी आ जाते हैं। This class have more year of education and they do not work manually. Depending upon the economic basis, the middle class is further divided into upper class and lower class. यहाँ पर हम कह सकते हैं जो लोग status achieve कर लेते हैं वो upper class में चले जाते हैं, जो नहीं कर पाते जो working जो class रहते हैं वो हम लोग lower के अंदर include कर लेते हैं, ठीक है। अब working class की बात करते हैं। The social group consisting primarily of people who are employed इन अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड मैनुअल और इंडस्ट्रियल वर्क, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कि हमारे पास लेबर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर जो हमारे पास काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के जो प्रोसेस में काम करते हैं जो लेबर्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास जो है वो वर्किंग क्लास एक्चुअली होती है।
द वर्किंग क्लास प्रेजेंट इन लंदन हैज इट्स ओन वेरी फेमस डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश विच इज कॉल्ड एज कॉकनी. फॉर एग्जाम्पल दे ओमिट द वर्ड टी इन बॉटल. ठीक है, वो बॉटल में टी को वर्ड नहीं करते, जैसे कि वॉटर है तो दे विल से वॉर. ठीक है, टी को वो ओमिट करते हैं. सो ये हमारे पास थी वर्किंग क्लास. ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन टूडेज लेक्चर. अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट टू है, तो हम अपने जो बाकी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे.